हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। क्या करें, बहुत लंबी टॉपिक है, इस वजह से आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ बात होगी नेहरू रिपोर्ट की। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं नेहरू रिपोर्ट है क्या, तो आप कहते हो दो तीन बातें इसके बारे में जो आप सभी जानते हो। पहला ये कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, आप कहते हो 1928 में आया था, बिल्कुल सही है। दूसरी बात कि नेहरू रिपोर्ट को लाया किसने था, तो आप कहते हो मोतीलाल नेहरू ने लाया था, ये दूसरी बात भी सही है। इसके अलावा आप नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं, नहीं जानते, ठीक है। लेकिन आप सोचो इससे ज्यादा बात तो हम आज करने वाले हैं और उसी लिए क्लास लगा है, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप आराम से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। आप चाहे आप संविधान की बात करिए, चाहे आप इतिहास की बात करिए, दोनों ही जगह पर नेहरू रिपोर्ट के अपने बड़े मायने हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा ताकि एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन बने तो आप तुरंत जो है उसको सही कर ले जाओ। हाँ, एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपके वीडियो देखने के दौरान कोई ऐड आता है, कोई प्रचार आता है, तो प्लीज उसको पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। और यदि प्रचार नहीं आता है तो किसी दूसरे वीडियो को ओपन करके आप प्रचार देख लिया करिए, ठीक है। प्लीज अगर आप मेरे लिए कर सकते हो दोस्तों तो इतना काम जरूर करिए, और अगर नहीं कर सकते तो एक काम तो एकदम कंपलसरी आप सभी के लिए कि वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, ताकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गांव से बाहर नहीं जा सकते, तो अभी उनके पास जियो फोन आ गया, ठीक है, और आपका जो जीबी है वो भी पहले से काफी सस्ता हो गया, तो ऐसे में वो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक शेयर बहुत कीमती है, प्लीज इस काम को जरूर करिए अगर आपको लगता है मैं सही कर रहा हूं तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको समझना है नेहरू रिपोर्ट के बारे में तो थोड़ी सी बेस बना दूं क्या इसके पीछे ले जाके आपको। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में, जिसमें यह कहा गया था कि बिना भारतीयों के सहयोग के हम भारतीय क्षेत्रों पर या भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रशासन नहीं कर सकते। और उसके बाद ही अंग्रेजों ने क्या लाया था, उत्तरदायी शासन की करने की व्यवस्था लाया था। आगे उत्तरदायी शासन के बाद कहा गया था कि उत्तरदायी शासन की समीक्षा करने के लिए अगले 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। तो आयोग आएगा और भारत में इस चीज की जांच करेगा कि उत्तरदायी शासन की समीक्षा कैसी है, क्या उत्तरदायी शासन यहां पर लागू हुआ या उसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उस चीज को बताएगा, तब उस चीज को दूर किया जाएगा, ठीक है। आपका जो कमीशन आने वाला था वो 1931 में आने वाला था, 30-31 में आने वाला था, लेकिन आपको पता है कि ब्रिटेन में चुनाव आने वाले थे 1929 में, जिसकी वजह से इस कमीशन को पहले ही बना दिया गया। तो 1927 में नवंबर में साइमन कमीशन बना था, साइमन जो थे सर जॉन साइमन वो इसके अध्यक्ष थे, इस वजह से इसका नाम साइमन पड़ गया। 7 लोगों की कमेटी थी और ये भारत में आता, 2 बार भारत का दौरा करता, उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करके चला जाता, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, उस दौरान दोस्तों एक चीज़ और घटना घटी। एक तरफ साइमन कमीशन का पूरे देश में बहिष्कार हो रहा था, ठीक है। तो आप बताओ हमारे देश के 2 बड़े लोग, एक तो गवर्नर जनरल और दूसरा आपके भारत सचिव, क्या दोनों शांत बैठेंगे, क्या इन दोनों के दिल में कोई हलचल नहीं होगी? होगी हलचल, लेकिन चाह के भी ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो आंदोलन था वो देशव्यापी आंदोलन था, बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा था। आप देखे ना कि जब साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था तो किस तरह से वहां पर उसको काले झंडे दिखाए गए, किस तरह से वहां पर हड़ताल किया गया। अगली बार जब वो बंबई से दिल्ली आया तो जो केंद्रीय विधानमंडल था वो स्वागत करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, वहां पर भी उसकी उपेक्षा किया गया। वो जब लखनऊ आया तो वहां पर गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। देखिए हर जगह पर जब विरोध होता था ना तो वहां पर लाठीचार्ज तो होती ही होती थी, ठीक है, यानी विरोध को दबाया जाता था। हाँ, एक जगह ज्यादा लाठीचार्ज हो गया, वो था आपके लाहौर में, और वहां कौन थे, लाला लाजपत राय थे, और उनके सर में जब चोट लगा उसी की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखा। अब दोस्तों आगे क्या घटता है कि जो नेहरू रिपोर्ट आया ये उसी में से, जो भारत सचिव था उसका नाम आपको याद रखना है, भारत सचिव ने भारतीयों को चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया? कि आप अपने लिए एक संविधान खुद से तैयार कर लो, लेकिन आपके द्वारा तैयार किया गया संविधान ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य मतलब जो भारत का हर व्यक्ति मानता हो, हर व्यक्ति माने, एक ऐसा संविधान बनाया जाए। अगर आप आज के दौर की बात कर लो, क्या हम ऐसा संविधान बनाने में सक्षम है जिसको सब लोग मान जाएं? कितनी मशक्कत होती है। आप जीएसटी को उठा के देख लो, जब जीएसटी आ रहा था उस पर कितना बवाल हुआ, जब आधार कार्ड को लाएगा उस पर कितना बवाल हुआ। तो कोई भी चीज जब नई नई चीज भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़े स्तर पर विरोध किया जाता है, ठीक है। और उस विरोध से उभर करके कोई चीज पास कर देना यह अपने आप में बड़ा चीज होता है, ठीक है। तो आप याद रखिए भारत सचिव, अच्छा भारत सचिव का यहां पर नाम क्या था, बर्केनहेड, याद रखिएगा, लॉर्ड बर्केनहेड उस समय भारत का क्या था, भारत सचिव था।
चलिए यहाँ से कहानी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, भारत सचिव से, यहाँ याद लगा देखिएगा, भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड, बर्केन नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड बर्केनहेड। अच्छा, इसके अलावा गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल का पद तो फिलहाल समाप्त हो गया। वायसराय कौन है, तो वायसराय है इरविन, लॉर्ड इरविन आपके वायसराय हैं। और यहाँ पर भारत सचिव कौन है, लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों से कहा कि आप अपने लिए एक ऐसा संविधान तैयार करो जो सर्वमान्य हो, जो सभी लोग मानते हो। एक बात बताओ दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है, ये अंग्रेजों की चाल थी। क्यों? अंग्रेज जानते थे कि ऐसा संविधान ना तो बन पाएगा और ना कोई बना पाएगा। क्यों? पहली बात तो इन लोगों को आइडिया नहीं कि संविधान बनेगा कैसे, दूसरी बात है अगर इन्होंने संविधान बना भी लिया तो सर्वमान्य होने की जो बात हमने कही है, ठीक है, आपने देखा था कांग्रेस जब चुनाव लड़ी थी 1923 में तो उसका क्या असर हुआ था, क्या पंजाब में उसने अपनी शासन सरकार बना पाया था, नहीं बना पाया था। क्या दक्षिण भारत की तरफ उसकी सरकार बनी थी, नहीं, 101 में से 42 सीटें मिली थी लेकिन बाकी तो नहीं मिला था ना। तो ऐसे में सर्वमान्य की बात कर रहा हूं तो सर्वमान्य मतलब तीन चौथाई की बात कर लो, ठीक है, कम से कम 75% लोग उस चीज को माने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंग्रेज तो जानबूझकर एक यहां पर क्या दे लेते, अपनी बातों को टाल लेते, लेकिन कांग्रेस आगे बढ़ करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। आप जानते हैं भारतीयों को कभी भी अगर चैलेंज किया जाता है पीछे नहीं हटते, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहां पर कांग्रेस आगे बढ़ के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, जो चैलेंज दिया गया था बर्केनहेड के द्वारा, ठीक है, चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। अब क्या होगा, अच्छा ये समय क्या चल रहा है, किस समय की बात है जब बर्केनहेड ने यह जो है सुनाया हम लोगों को, तो याद रखिए 24 नवंबर 1927 की घटना है। कब की घटना है दोस्तों, याद रखिए 24 नवंबर 1927 की, ठीक है। देखिए अभी नेहरू रिपोर्ट की बात मत करिए, नेहरू रिपोर्ट तो बाद में आएगा, अभी तो हम लोग बेस पे चल रहे हैं। तो 1927 की घटना है, 24 नवंबर 1927 को बर्केनहेड ने प्रस्ताव रखा, कांग्रेस ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस एक्सेप्ट तो कर ली, अब कांग्रेस सोच रही थी कि अब किया क्या जाए, ठीक है। तो अब कांग्रेस सोची, चलिए काम करते हैं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। कैसा? सर्वदलीय बैठक, मतलब जिसमें हर दल के व्यक्ति हों। कहने का मतलब क्या है, जैसे हिंदू महासभा, जैसे कम्युनिस्ट, जैसे समाजवादी, जैसे किसान मजदूर आंदोलन, जैसे साम्यवादी आंदोलन, ठीक है, ये अलग अलग पार्टियां थी, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां बन गई थी भारत में, ठीक है, इन सभी पार्टियों को एक जगह पे बुलाया जाए, ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या किया, यहां पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। कब बुलाई दोस्तों, तो 18 फरवरी, ध्यान दीजिएगा 24 नवंबर को घटना हुई थी, तो 2-3 महीना, भाई एक्सेप्ट तो कर लिया, इसने चैलेंज दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद आप बताओ थोड़ा समय लगेगा कि नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाने में, भाई ये चीज़ सोचने में, कहाँ बैठक होनी, कैसे होनी है, पूरी व्यवस्था बनाने में। तो 28 फरवरी 1928 को सर्वदलीय बैठक बुलाया गया दिल्ली में। कहाँ बुलाया गया, सर्वदलीय बैठक 28 फरवरी 1928 में, ठीक है। देखिए 27 चल रहा था, नवंबर खत्म हुआ, दिसंबर आया, जनवरी भी था, फरवरी के लास्ट में बुला लिया गया, ठीक है, यहाँ पर एक सर्वदलीय बैठक बुला लिया गया, ठीक है, सर्वदलीय बैठक, सारे दल इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और ये बैठक कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में बुलाया गया, सेंटर में स्थान रखा गया ताकि हर तरफ से लोग एक स्थान पर जुट सके, ठीक है, सर्वदलीय बैठक हो गई। अच्छा कितने लोग यहाँ पे आए थे, भारत की कुल 29 राजनीतिक पार्टियाँ इसमें शामिल हुई थी, कितनी, 29, हम लोग तो 5-7 का नाम गिन रहे हैं, छोटी बड़ी मिला करके 29 पार्टियाँ इसमें पार्टिसिपेट करने गई थी, याद रखिए इस सर्वदलीय बैठक में, मतलब हर लोगों को पता था कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो 29 राजनीतिक पार्टियां यहां पर गई थी, याद रखिएगा 29 गए। और जब बातचीत होना शुरू हुआ ना, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब कभी इस तरह की बैठक होगी तो आप देखेंगे बड़ा मतभेद हो रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की राग अलाप रहे हैं, कोई अपना लेके पड़ा है, कोई, अब समझो ना बात, जो कम्युनिस्ट है वो कम्युनिस्टों की बात कर रहा है, जो किसान मजदूर आंदोलन पार्टी से है वो किसान और मजदूरों के बारे में खाली बात कर रहा है। और लेकिन अंग्रेजों ने क्या रखा था, अंग्रेजों ने पहली लाइन में बोल दिया था, जो सर्वमान्य हो, जो सभी माने, ऐसा ही संविधान बनेगा तब हम स्वीकार करेंगे, अदरवाइज हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक बड़ी संकट थी। अच्छा यहां पे बुला तो लिया गया, लेकिन आपसी मतभेद के कारण सारी कहानी चौपट हो गई, सब फेल हो गया, सब अपने अपने घर चले गए, कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन अब चैलेंज दिया था फिर से, अब देखो यहां पे प्रयास किया जाएगा, ठीक है, एक बार फेल हो गया लेकिन दोबारा हम लोगों ने प्रयास किया। और 2-3 महीने बाद अप्रैल, मार्च, फरवरी खत्म ही हो गया था, मार्च अप्रैल बीता और मई में एक बार फिर प्रयास किया गया कि यार कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा इस चीज का ना, से भागने से थोड़े काम चलेगा, ठीक है, हमें अभी तक हम क्या रहते हैं, हमें स्वराज दो, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब जब हमें मौका मिल रहा है हमारे देश का संविधान बनाने के लिए, तो हम कैसे छोड़ दें,
और आप कहते हो यार एक लाइन में पढ़ के निकल जाते हो इतिहास को, समझो पूरा मैटर क्या हुआ था। तो मई 1928 में दोस्तों यहां पर एक फिर से बैठक किया गया, और यह बैठक किया गया बंबई में। इसमें उतनी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां तो नहीं शामिल हुई। पहले यह होता है कि काम करो, अभी सबको मत बुलाओ। सबको बुलाओगे 10 लोग 10 तरह की बातें कहेंगे और एक बात जो है वहां पर सिद्ध हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, सब प्रॉब्लम खत्म, मतलब सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, खत्म कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले काम किया जाए, अपने मन से एक बढ़िया संविधान तैयार किया जाता है, एक ऐसा संविधान जो सबके लिए सुरक्षित हो, जो सबके लिए अच्छा अच्छा बात करे, एक ऐसा संविधान बनाते हैं। बहुत ज्यादा ये 29-30 लोगों को बुलाने, इतनी भारी भरकम पार्टी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो 1928 में बंबई में एक अधिवेशन किया गया, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किए वहां पर डॉक्टर अंसारी, ठीक है, इनको अध्यक्षता करने के लिए थमा गया। डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई ये सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। कैसे सक्सेसफुल हो गई दोस्तों, तो इसमें क्योंकि ये हुआ कि हम बहुत ज्यादा पार्टियों को बुलाएंगे नहीं, बस एक अच्छा संविधान तैयार करने का जो है काम किया जाता है। कुल 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, देखिए बहुत ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है, कितने सदस्यों की, केवल 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। और इनसे कहा गया कि भाई आप क्या करो, आप एक काम करो, 9 सदस्यों से कहा गया कि आप एक संविधान बनाओ, आप अपने मन से एक संविधान बनाओ, ठीक है। उसके बाद जब संविधान बन जाएगा ना, तो हम लोग सबको बुला लेंगे इन 2900 पार्टियों को, और सर्वदलीय बैठक करके वहां इस चीज को प्रेजेंट कर देंगे, फिर उन लोग जैसा बोलेंगे वैसा किया जाएगा, पहले एक बनाओ, ठीक है। तो आप आ जाती बात बनने पर, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब क्या होता है, यहाँ पर कुछ बड़े नेता सामने आएंगे भाई बनाने के लिए, भाई 9 लोगों में तो कौन कौन से 9 लोग थे वो भी जानने लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो जो हेड थे आपके, ठीक है, जो मेन थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू आपके हेड थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ये बढ़कर आगे आए कि ठीक है इस तरह का काम मैं करता हूँ, मैं भारत के लिए जो एक संविधान तैयार करता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। और इन्हीं को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा गया। आप वो वाला प्रारूप समिति से कंफ्यूजन मत होइएगा, जो संविधान सभा में बनाया गया था जिसके अध्यक्ष आपके कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, वो अलग चीज है। यहां पर मैं नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां प्रारूप माने होता है दोस्तों प्रारूप तैयार करने का, एक प्रोफार्मा तैयार करना कि संविधान में क्या क्या लिखा जाएगा, कैसे कहते हैं पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, ये होता है प्रारूप, ठीक है। तो उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये स्वयं थे मोतीलाल नेहरू। अच्छा, जो सचिव बनाए गए इसमें, इन्होंने अपने पुत्र को सचिव बना दिया, ठीक है। अब यहीं से आपके जवाहरलाल नेहरू की एंट्री शुरू होती है, ठीक है। अभी तक आपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ नहीं सुना होगा, ठीक है। अब यहीं से एंट्री होती है, नेहरू रिपोर्ट से इनकी एंट्री होती है, क्योंकि यह इसमें इस जो समिति था, इस समिति में सचिव के पद पर थे। इसके अलावा देखिए थे तो 9 सदस्य, 2 हमारे सामने हैं, 2-3 लोगों का नाम और बता देता हूं, वैसे नाम हमको भी नहीं पता है तो याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट सदस्यों में किसका नाम आता है, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है, तेज बहादुर सप्रू का, सुभाष चंद्र बोस। वाओ, देखिए यहां से ये दोनों, अभी तक आपने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू का नाम एक बार सुने होंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों का नाम आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। एक और थे एम एन जोशी, ये 2-3 नाम आप याद रखिएगा, MN जोशी, ठीक है। चलिए आपके 5 नाम हो गए, 9 लोग थे, 9 में से 5 लोगों के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। ये इसमें कुल 9 मान लीजिए, 5 ये प्लस 4 अन्य, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर के पूरा एक संविधान का प्रारूप, एक ढांचा तैयार कर दिया, ठीक है। ढांचा तैयार हो गया। अब जो रिपोर्ट बना, ठीक है, इसको याद रखिए। अब यहां पे देखिए, एक था नेहरू रिपोर्ट, और यहां पे जो संविधान है ना, यही नेहरू रिपोर्ट है भाई, इसको रिपोर्ट के तौर पे रखा गया, ठीक है। अभी क्या था, संविधान बनाने की बात तो कही गई थी, लेकिन संविधान बहुत बड़ा डायरी चीज होता है। यहां पे क्या हुआ, एक रिपोर्ट के तहत इसको पेश किया गया, भाई क्या करना था। अभी पता चले बैठ के खूब संविधान लिख डाले, बिठा के 1-2 हजार पन्नों का लिख डाले, और उधर सर्वदलीय बैठक को पता चला सब फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, यहां पे कहा गया कि एक सिंपल प्रोफार्मा तैयार करो, और तैयार करके लोगों के सामने रखो, पहले लोग एक्सेप्ट करें, तब आगे काम बढ़ेगा, ठीक है। तो आप समझिए, ये प्योर संविधान नहीं था, ये एक रिपोर्ट था। तो ये जो समिति बनी, ये जो प्रारूप समिति बनी, इसने अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया। 1 जुलाई 1928 को इस प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर दिया अपने कमेटी के सामने, ठीक है, कांग्रेस के सामने रिपोर्ट गया 1 जुलाई 1928 को। एक्चुअली मैं गया नहीं, बहुत ये अभी पूरा भी नहीं हुआ था ठीक ढंग से, क्यों, क्योंकि जो कांग्रेस थी उसने कहा इस समिति से, भाई आप अपना काम जल्दी निपटाओ, क्यों भाई 1900
स्टार्टिंग में ही 27 के नवंबर में ही उन्होंने कहा था, अब आपका जुलाई आ ही गया है तो एक साल होने को है, तो जल्दी करो क्योंकि अंग्रेज हो सकता है कब उनका दिमाग फिर जाए। हाँ, तो अगर उन्होंने हमसे कहा है तो इस चीज़ को जल्दी करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 1928 को कांग्रेस ने कहा, भाई आप अपना रिपोर्ट जल्दी दीजिए, ठीक है, यानी आप इसको जल्दी पूरा कीजिए जो ये आप काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया कि मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू इन दो लोगों ने मिलकर के फटाफट एक रिपोर्ट तैयार कर ली एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है। ये जुलाई में कहा गया और अगले महीना 10 अगस्त को फाइनली एक रिपोर्ट हमारे सामने आ ही जाता है, ठीक है। फाइनली 1928 में 10 अगस्त को एक रिपोर्ट आ ही जाता है। इस रिपोर्ट को अपने हाथों से किसने लिखा था, तो इसको लिखा था मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों इसका नाम रख दिया गया नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। हालांकि इसमें योगदान तेज बहादुर सप्रू का भी था और बाकी सदस्यों का भी योगदान था, लेकिन लिखा उन्होंने अपने हाथों से था, इस वजह से इसको नेहरू रिपोर्ट नाम दिया गया। 10 अगस्त 1928 को कांग्रेस के सामने पेश किया गया। कांग्रेस ने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद लगा यार अच्छा बनाया हो, ठीक है, तो क्या किया जाए, मीटिंग बुलाया जाए। फिर से एक मीटिंग बुलाई गई, भाई बनके तैयार हो गया ना, तो फिर से मीटिंग बुलाई गई इसी महीने में, बनके तैयार हो गया ना 10 अगस्त। अब भाई 10 अगस्त को सामने रखा है तो जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जो मेन मेन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, उनको दिया जाएगा एक एक पेपर, भाई आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो। सब लोग उसको पढ़े होंगे, देखे होंगे, ठीक है, और सब लोग राजी हुए होंगे। राजी होने के बाद अभी हुआ कि एक यार सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, फिर डिसाइड करना है कि सर्वदलीय बैठक कहां होगी, कब होगी, ठीक है, ये सारा चीजें। तो 10 अगस्त 1928 को कांग्रेस के सामने पेश हुआ और उसी महीने के लास्ट में 28 अगस्त को, याद रखेगा 28 अगस्त 1928 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सुनिए 28 अगस्त 1928 को, दोस्तों आपको कुछ याद आ रहा है, ठीक 28 फरवरी 1928 को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, कहाँ पर, आपके दिल्ली में, जो फेल हो गई थी, जहाँ सब लोग पहुँच गए थे, 29 पार्टियाँ पहुँची, हुआ गया कुछ नहीं। तो 28 फरवरी से देखो 28 मार्च, 28 अप्रैल, 28 मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीना हुआ है और 6 महीने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट भी बन के तैयार हो गया, संविधान का प्रारूप भी तैयार हो गया और ये पेश भी कर दिया गया। जगह जो डिसाइड किया गया, लखनऊ डिसाइड किया गया। क्या डिसाइड किया गया कि ये प्रोग्राम कहाँ पर किया जाएगा, लखनऊ में किया जाएगा, ठीक है। देखिए कुल 3 प्रोग्राम हुए थे, पहला प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था, फेल हो गया था। दूसरा प्रोग्राम डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बंबई में हुआ था, वो सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि उसमें ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया गया था। और अब 28 अगस्त 1928 को जो लखनऊ वाला प्रोग्राम हो रहा है, ये सर्वदलीय बैठक है, यहां पे सबको बुलाया गया, सबको बुला करके तुरंत दिया गया। अब बना बनाया सबको मिल गया तो सब लोगों ने पढ़ा, हां इनके बारे में भी बात किया, इनके बारे मतलब क्या था, इन लोगों का तो टारगेट था कि हम सबके बारे में अच्छा बोलेंगे और इन्होंने लिख भी दिया, ठीक है, उस संविधान में। तो हुआ क्या कि जितने लोग भी आए थे सब मान गए, सब मान गए, गजब बात हो गई, यानी अब हमारा चीज साकार होने वाला, हमारा सपना साकार होने वाला है, सब मान गए। लेकिन कुछ समय बाद सब नकार, अपने अपने घर जाने के बाद फिर सब भूल गए, ठीक है, फिर सब नकार गए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि इस नेहरू रिपोर्ट में लिखा क्या था, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी ये जानना आपका कि नेहरू रिपोर्ट में लिखा क्या था, ठीक है। तो दोस्तों जो पहली लाइन लिखी थी वो ये लिखी गई थी कि भारत को, बहुत ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, 10-12 पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक लंबा हो रहा है। दोस्तों पहली लाइन में कहा गया कि अच्छा भारत क्या था, भारत गुलाम था या भारत आजाद था, बताइए, भारत गुलाम था, भारत इंग्लैंड के एक उपनिवेश के रूप में था। तो यहां सबसे पहली लाइन कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। क्या कहा गया, यहां पर कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए और क्या किया जाए, इंग्लैंड से स्वतंत्रता दी जाए इसको, ठीक है, ये जो अपना उपनिवेश बना के रखे हैं इससे हमें स्वतंत्र किया जाए, पहला प्रावधान, ठीक है। यानी सीधे सीधे बात करो, यानी डोमिनियन स्टेट मतलब हम अपने आप को आजाद रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी बात यहां पर कहा गया कि संघ, भारत में एक क्या होगा, संघ की स्थापना की जाए, किसकी स्थापना किया जाए, संघीय शासन की स्थापना की जाए। और साथ ही साथ एक बात और कहा गया कि केंद्रीय विधानमंडल जो हो दोस्तों ये द्विसदनात्मक होना चाहिए, केंद्रीय विधानमंडल जो हो ये कैसा होना चाहिए, ये द्विसदनात्मक होना चाहिए, सदनात्मक, ठीक है, सदनात्मक होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात बता दूं आपको, आप एक एक लाइन याद करते जाओ, आज आप भारत की संसद को देखो, क्या भारत की संसद द्विसदनात्मक है, लोकसभा राज्यसभा है ना, तो यहां पे कहा गया द्विसदनात्मक। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कहां से आया है बढ़कर, तो आप लोग तो कहोगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में, लेकिन आप ये बताओ कि भारत शासन अधिनियम में ये चीज कहां से आई है, तो आप बताओ ना, यहां से आई है, यहां से,
समझ में आ रहा है, नेहरू रिपोर्ट की बातों को शामिल किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में और वहां से बातों को शामिल किया गया हमारे संविधान में। तो बात को समझिए, ठीक है, ये हो गया। तीसरी बात कही गई कि एक मंत्रिमंडल होगा, आज है मंत्रिमंडल ना, और आज मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कि नहीं, होता है। तो ये बात भी कहां कही गई, ये बात भी यही कहा गया कि एक मंत्रिमंडल भी होना चाहिए, ठीक है, जो कि जिसका उत्तरदायी होना चाहिए किसके प्रति, इस द्विसदनात्मक व्यवस्था में उसका उत्तरदायी होना आवश्यक है, ये कहा गया। तो क्या आज है कि नहीं है, है, ठीक है। तीसरी बात कही गई कि प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होगा, इसको समाप्त किया जाए। क्या कहा गया, तीसरी बात में कहा गया कि जो प्रांत में द्वैध शासन था, ठीक है, अच्छा, द्वैध शासन के समाप्ति के लिए तो दोस्तों आपका इसके पहले जो साइमन कमीशन आया था उसने भी कहा था कि हाँ भाई द्वैध शासन को समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है, और इन्होंने भी कहा द्वैध शासन का समाप्त होना, इस वजह से भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, आप समझिए, ठीक है। अच्छा, चौथ अगली बात क्या कहेगा, अगला बात कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होगा यह सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होगा, जबकि साइमन कमीशन आयोग में कहा गया था कि गवर्नर जनरल और भारत सचिव के पावर को बढ़ा दिया जाए, यही कहा गया था ना, यही कहा गया था ना साइमन कमीशन में, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, यहां पर कहा गया दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, इसको क्या किया जाए, इसको सिर्फ संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। जैसे अच्छा, ये चीज भी आज हमारे यहाँ है, आज हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति का, क्या वह उसका उसका मामला कहाँ तक सीमित है, उसको खाली यहीं तक सीमित रखा गया ना कि वह हमारे यहाँ संवैधानिक प्रधान के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर तर्क दिया गया, भारत तो था नहीं इस समय, राष्ट्रपति वगैरह तो थे नहीं, तो वहां पर तर्क दिया गया कि जिस तरह से ब्रिटेन में महारानी या महाराजा हैं, ठीक है, उसी तरीके से जैसे ब्रिटिश ताज की शक्ति है, ठीक उसी तरह से गवर्नर जनरल की शक्ति यहाँ पर दिखाई जाए, ठीक है, यानी सिर्फ संवैधानिक प्रमुख नाम का रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। अगली बात कही गई कि चुनाव के बारे में, जो सांप्रदायिकता सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था किया गया था, सांप्रदायिक चुनाव, ठीक है, सांप्रदायिक मतलब समझ रहे ना, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था किया गया था, इस पद्धति को समाप्त करने के लिए कहा गया, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता के लिए एक कदम जरूरी था, समझे बात को, भारत की एकता और अखंडता के लिए यह कदम अति आवश्यक था, इस वजह से कहा गया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति है, इस निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया जाए, क्या किया जाए, इसको भी समाप्त किया जाए, पॉइंट नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इसको समाप्त किया जाए। आगे दोस्तों कहा गया कितने हो गए, पांच, आगे कहा गया नागरिकता को परिभाषित किया गया, क्या किया गया, नागरिकता को परिभाषित किया गया और मूल अधिकारों की घोषणा हुई, ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा किसको नागरिक माना जाए, इसकी परिभाषा भी कहां दी गई है, सबसे पहले आपके नेहरू रिपोर्ट में। आप क्यों पढ़ते हो कि सब चीज भारत शासन अधिनियम में, देखो जो अंग्रेजों ने लिख कर गए गए, हमको अपडेट होना है, हमको अपने चीजों को जानना है, समझना है, अरे हमारा इतिहास हमसे छुपाया गया है, ठीक है, जब आप सही इतिहास पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा, तो याद रखिएगा। इसके अलावा मूल अधिकारों की बात की गई दोस्तों, और 19 मूल अधिकारों की व्याख्या यहां पे दिया गया, ठीक है, तो क्या क्या मूल अधिकार थे वो बाद में, क्योंकि 19 पढ़ाऊंगा तो बड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे समझ लो तमाम मूल अधिकारों की बात की गई, 19 मूल अधिकारों की व्याख्या इस नेहरू रिपोर्ट में किया गया, अभी तो दिख ही रहा होगा ना, दिख रहा है ना। चलिए सातवां पॉइंट, डोमिनियन स्टेट संघ की स्थापना, प्रांत में द्वैध शासन समाप्ति और गवर्नर जनरल, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, नागरिकता को परिभाषित कर दिया गया नेहरू रिपोर्ट, और क्या था, हाँ चलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं, क्या याद नहीं रहता इतना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब हर क्षेत्र में याद कर लो ना, ऐसे समझो कि अलग अलग क्षेत्र में, एक बार समझो संसद में क्या हुआ, अच्छा ये हुआ था संसद में, और संघ के लिए क्या कहा गया, नागरिकता के लिए क्या कहा गया, मौलिक अधिकार के लिए क्या कहा गया, राजनीतिक नेतृत्व तत्व वगैरह थे नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति वगैरह वाली बात संवैधानिक प्रमुख कही दे गया, अब आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे सब याद होता जाएगा, ठीक है, तो एज बस संविधान को फॉलो करते चलो आपको सब याद आता जाएगा। यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाए, इसके पहले हाई कोर्ट था वो सर्वोच्च न्यायालय समझा जाता था, लेकिन यहां कहा गया कि एक अलग से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाए, लेकिन उसके अधिकार संसद तय करेगी। हमारे यहां है कि नहीं सिस्टम, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कौन तय करता है, संसद तय करती है ना कि भाई कौन व्यक्ति क्या होगा कैसे, उसकी सारी व्यवस्था बना हुआ है ना वहाँ पे, ठीक है, कि उसकी नियुक्ति कैसे होगी, शपथ कौन लेगा, वो अपना इस्तीफा किसको देगा, सब संसद में संसदीय व्यवस्था में सब बताया गया, अनुच्छेद 124 यही सारी चीज़ों की व्याख्या करता है, तो याद रखिए ये चीज़ें कहा गया।
आठवां पॉइंट पे आ जाइए दोस्तों, निर्वाचन की बात हो गई। कहा गया वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा और 21 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग होंगे वो अपने मताधिकार का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 वर्ष, आज तो 18 वर्ष वाले जाते हैं वोट देने, लेकिन उस समय रखा गया कि 21 वर्ष। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर 21 वर्ष लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएगा क्या बात बोल रहे हैं। आठवां हो गया। नौवां टॉपिक देखिए क्या होता है। नौवें में कहा गया दोस्तों कि अलग अलग प्रांतों के लिए भाषाई, अलग अलग प्रांत का, प्रांत तो सब एक सब में मिक्स थे, ठीक है। अच्छा, इसीलिए कहा गया था, प्रांत से याद आ गया, आपके उसने साइमन कमीशन ने कहा था कि वर्मा को अलग किया जाए, ठीक है। इसने वर्मा वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन इसने कहा कि बंबई से सिंध को अलग किया जाए, और यह बात आपके किसने कहा था, साइमन कमीशन ने भी कहा था। साथ में साइमन कमीशन ने उड़ीसा को भी अलग राज्य का दर्जा देने के लिए कहा था। तो इन्होंने सिर्फ एक बात कहा कि बंबई से सिंध को अलग किया जाए, किससे, बंबई से सिंध को अलग किया जाए, यह यहां पर कहा गया, ठीक है। एक तो एक अलग किया जाए मतलब अलग गठित किया जाए, उसको राज्य का दर्जा दिया जाए। अगली बात कहा गया दोस्तों कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा, अलग अलग प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। तो जब हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि भाषा के आधार पर जो है प्रांतों का गठन किया गया। जो मराठा वाले थे वो महाराष्ट्र में हो गए, जो तमिल वाले थे वो आपके तमिलनाडु में चले गए, तेलुगु वाले थे वो आंध्रा में चले गए, जो मलयालम बोलते थे वो केरल में आ गए, समझ रहे ना, पंजाबी वाले पंजाब में हो गए, ठीक है, गुजराती वाले गुजरात में हो गए। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक एरिया डिवाइड हो गया। तो भाषा के आधार पर यहां पर जो है प्रांतों का गठन किया जाए, ये कहा गया। और आखिरी बात में कहा गया कि जो हमारे देसी रजवाड़े हैं, ठीक है, जो हमारी देसी रियासतें हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि वो लोग भी नाराज ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमको सबका ध्यान रखना है ना, ठीक है। ये सारी बातें कही गई नेहरू रिपोर्ट में। क्या बुरा था भाई, नेहरू रिपोर्ट में क्या बुरा था? अंग्रेजों ने हमें चुनौती दिया, क्या हमने चुनौती को स्वीकार करते हुए ये सारे चीज़ों को लिखा नहीं? क्या हमने इसको ड्राफ्टिंग नहीं किया? किया। अगर हम 19 मूल अधिकार को भी बताना शुरू कर दें तो क्या आपका एक मोटी मोटा संविधान नहीं तैयार हो जाता है? चलो अच्छा, एक चीज़ और बताओ, क्या आप नेहरू रिपोर्ट को संविधान का पुरोगामी कह सकते हैं? संविधान का पुरोगामी मतलब संविधान के पहले का संविधान का दर्जा दिया जाता है इस नेहरू रिपोर्ट को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि संविधान का पुरोगामी किसे कहा जाता है, तो आप बताइए नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। ये सब पॉइंट याद रखे, ठीक है। संविधान का ब्लूप्रिंट, संविधान का पुरोगामी कौन है, सब नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। तो सब कुछ तो परफेक्ट था, फिर गलती क्या, फिर क्या हो गया कि लोग एक्सेप्ट करके गए और घर जाके बदल गए। तो हुआ क्या दोस्तों कि अंग्रेजों ने यहां पर आग लगा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, आग लगा दिया। अंग्रेज जाकर के एक एक मीटिंग करके आए सभी सांप्रदायिक दलों से, बोला तुम्हारे लिए क्या किया है, अरे ये तो देश के लिए क्या, तुम्हारे लिए क्या किया भाई। बस बस, जहां अपनी बात आ गई वहां तो देश गया बाहड़ में। कौन किसको सोचना देश के बारे में। देसी राजे रजवाड़ों को लग रहा था भाई पहले हमारा जो शासन है वो बना रहे, ठीक है। जमींदारों को लग रहा भैया अब सबसे बड़ा क्या है, रुपया, ठीक है, तो पहले ये बना रहे, उसके बाद बातचीत होगा देश के ऊपर। तो अलग अलग सांप्रदायिक जो है दलों को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया अंग्रेजों ने, और फाइनली जो अलग अलग दल के लोग थे इन्होंने जाकर के मना कर दिया, हमको ये नहीं सही। और शुरुआत में कहा क्या गया था कि ऐसा संविधान बनाओ जो सर्वमान्य हो। और जब मान्य ही नहीं भाई, एक तरफ अंग्रेजों ने मना कर दिया, अलग अलग सांप्रदायिक दलों ने मना कर दिया, फिर बात क्या रह गया, ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, जो के सचिव थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इसका विरोध किया, नेहरू रिपोर्ट का। अब उनको क्या हो गया, उनको क्या समस्या आ गई? उन्होंने कहा 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या पास किया था, कांग्रेस ने कहा कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करना ही हमारा परम लक्ष्य है, फिर इसमें पूर्ण स्वराज की बात आप लोगों ने क्यों नहीं किया। अब नेहरू जी को थोड़ा कम समझ में आ रहा था उस समय, नेहरू जी को नहीं समझ में आ रहा था कि पहला वाला जो नियम बनाया गया डोमिनियन स्टेट की बात किया गया, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर बनेंगी तो हम पूर्ण स्वराज की, अगर हमने अपना संविधान बना लिया हमको पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाएगा ना, तो फिर गम किस बात का है। लेकिन नेहरू जी गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे इस्तीफा भी दे दिया, मतलब कुछ तो दिक्कत थी उनको, ठीक है। वो और ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे, वो निकल गए किसके साथ, सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर। सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर नेहरू जी निकल गए, हाँ दोस्तों निकल गए, ठीक है। और अलग हट करके उन्होंने बना दिया क्या, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। क्या बनाया उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर के ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, याद रखिएगा आई, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, AIIL, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, लिखने में दिक्कत हो रही, ठीक है। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दिया, कब, नवंबर 1928
1927 में, कब? नवंबर 1928। दोस्तों नवंबर 1927 से कहानी शुरू हुई थी जब हमको चैलेंज मिला था, नवंबर 1928 पे कहानी खत्म भी हो गई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिलहाल नेहरू की बातों को ध्यान में रख करके नेहरू रिपोर्ट में संशोधन किया गया ताकि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी जो अलग हो रहे हैं वो मान जाए, वो हमसे जुड़ जाए, तो संशोधन किया गया। लेकिन अंग्रेज संशोधन के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए परफेक्ट है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पर कहा गया। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो संविधान था, आप इस संविधान को अगर उठा के देखो तो ये संविधान धार्मिक और राष्ट्रीय विचारों से परिपूर्ण मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है, इसमें आपको धार्मिक भावनाएं और राष्ट्रीय भावनाएं दोनों देखने को मिलेंगी, तो इससे परिपूर्ण था। लेकिन फिर भी ये फेल हो गया, जब फेल हो गया तो बात ही क्या। अच्छा फेल होने के बाद मुस्लिम लीग के हेड थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी के प्रत्युत्तर में कि तुम क्या संविधान बनाओगे, हम बना के दिखाते हैं संविधान, ठीक है, क्या संविधान बनाने निकल लिए। अच्छा उन्होंने बनाया 14 सूत्री फार्मूला। अब आज के वीडियो में 14 सूत्री फार्मूला हमारा अगला टॉपिक था, लेकिन क्या करें, अब 14 सूत्री अगर फार्मूला पढ़ाएंगे तो अभी 10 बातें पढ़ाने में इतना टाइम लग गया, 14 बातें पढ़ाने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से हमने सोचा कि चलो छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 14 सूत्री फार्मूले के बारे में जिसको लाया था जिन्ना ने, तो उनकी बात को भी देखेंगे भाई, उन्होंने क्या, वो क्या चाहते थे, उनकी सोच क्या थी, तो भारत के लिए उनकी सोच क्या थी, हाँ, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि आगे चल के द्विराष्ट्र का सिद्धांत हुआ, ठीक है, दिया उन्होंने और अलग देश का डिमांड किया, शुरुआत में वैसे नहीं थे, ठीक है, शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उनकी बातों को भी देखा जाएगा कि उनके मन में क्या इच्छा थी, कैसे वो करना चाहते थे, तो इसके लिए अगली क्लास का इंतजार करिए, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभरात्रि, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों, इतना सहयोग दिया जाए, देखिए जितना हमसे बन पड़ता है यार उतना सहयोग मैं कर रहा हूं आप सभी को, जितना मैं याद करा सकता हूं आपको उतना मैं दे रहा हूं, ठीक है, अपना 100% अपने हिसाब से दे रहा हूं, बाकी आप भी अगर अपना 100% दे देंगे तो आप तो सफल हो ही जाएंगे, हमको भी सफल करा देंगे, ठीक है, कैसे, बस एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, शेयर कर लीजिए। आप कहेंगे सर एकदम पीछे पड़ गए रहते हैं दो बात के, क्या करें, यही जीवन है तो चल रहा है, ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।